हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका संजय पोल्ट्री एंड पेट फार्मिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी भाई बोलते थे मेरे को आप असील लेके आओ, असील लेके आओ। तो मैंने प्योर असील ले आई है। असील का पट्ठा तो अपने पास में है ही, प्योर क्वालिटी का। अभी असील की पट्ठिया भी ले आए हैं और एक देसी मुर्गी भी लेके आया हूँ। तो चलिए, वीडियो बहुत, वैसे भी आप पास लोगों के साथ में बहुत कम शेयर कर पाता हूँ मैं, तो ये इस कट्टे में डाल के लाया हूँ। 5 पीस लाया हूँ, एक दो भी नहीं है। तो चलिए, ये YouTube पे पता नहीं किस किस चीज़ की अनबॉक्सिंग होती है। हम तो मुर्गियों की अनबॉक्सिंग करते हैं, मुर्गियों का चैनल है अपना, और मुर्गियों की अनबॉक्सिंग देखिए आप। ये लीजिए, ये कट्टा मैंने थोड़ा इधर से फाड़ रखा है ताकि इनको सांस वगैरह आता रहे। ये लीजिए, ये देखिए पठिया, देखिए ये एक देसी है, प्योर देसी हरियाणा ब्रीड की मुर्गी है। बाकी असील की पठियों की क्वालिटी देखिए आप अपनी, पूरी मस्त हाइट है, पूरी अच्छी हाइट के साथ में है। हाइट देखिए, गर्दन देखिए, पूंछ देखिए, क्वालिटी काफी शानदार है, वाइट आइज में है। और ये देखिए, ये पट्ठा आ गया है, ये जो पट्ठा हम लेके आए थे ना, वो पट्ठा आया है इनके पास में लड़ाई करने। पट्ठे में भी बहुत हिम्मत आ गई है लड़ाई करने की। ये देखिए ये पट्ठा, कुछ नहीं करेंगे, एक दो दिन लड़ाई करेंगे, फिर एक जैसे घुल मिल जाएंगे ये सभी के सभी। तो कैसी लगी है वीडियो, थोड़ी देर में मैं इनको सब नॉर्मल हो जाए, लड़ाई वगैरह दिखाता नहीं हूँ, नहीं तो यूट्यूब पे मेरे पे स्ट्राइक आ जाती है, लड़ाई दिखाने की, वायलेंस की स्ट्राइक दे देते हैं ये लोग, तो इसलिए लड़ाई नहीं दिखाते हैं। और बाकी ये अपनी है ही, हरियाणा ब्रीड की मुर्गियां हैं, इनके सामने तो ये बच्चियाँ ही लगेंगी, क्योंकि ये काफ़ी, ये तो 3-3 किलो की मुर्गियां हैं, और जो अभी लेके आए हैं वो 1.5-1.5 किलो की असील की पठियाँ हैं, तो ये भी काफ़ी भारी हो जाएंगी। 3 किलो तक के समथिंग तो असील चली जाती है ईजिली। अभी ये पठियाँ हैं, जब तक ये पठियाँ तैयार होंगी वो पट्ठा भी तैयार हो जाएगा, और उस पट्ठे के साथ में इसमें लगा के प्योर क्वालिटी के हम बच्चे निकाल लेंगे। तो अपने पास में असील हो गई है, देसी हो गई है, सब हो गया है अच्छे से, तो क्वालिटी का तो अपने पास शानदार है ही पूरा। ये देखिए लड़ाई लड़ाई, मुर्गी नई मुर्गी के साथ में यही पंगा होता है, नई मुर्गियाँ आके पहले वाली मुर्गी को मारती हैं, पहले लड़ाई करती हैं, फिर एक दूसरे के साथ में नॉर्मल हो जाती हैं, जब तक कोई हार नहीं जाती तब तक लड़ाई करती है, हार जाएंगी फिर तो छोड़ देंगे एक दूसरे को ये। और ये असील की पठिया देख लीजिए आप, लड़ाई छोड़िए, वो लड़ाई तो काफ़ी चलती रहेगी ही ऐसी। आप असील की पठिया देखिए, ये देखिए चारों एक साथ रहती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एक मुर्गी कम दिख रही है मेरे को, शायद अंडा देने के लिए गई हुई है अंदर की साइड में। हाँ, वो ब्लैक वाली मुर्गी अपनी अंडा देने गई है, इधर से जानती है अंदर अंडा देने के लिए, अंडे देने गई है वो। तो वीडियो छोटी सी अनबॉक्सिंग थी, कैसी लगी? क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, पसंद बहुत अच्छी से आई थी मेरे को, ज़्यादा नहीं है, 800 रुपये पर पीस दे के आया हूँ मैं इनके, और वो तो अपनी 600 रुपये में ही लेके आए हैं देसी वाले, और ये वाली सभी 800 रुपये पर पीस के हिसाब से लेके आए हैं। तो ये लगभग मेरे को 38 की पड़ी थी सारी मिला के, 5 के 5, क्योंकि ये 3200 की ये थी और 600 की वो 3800 की हो गई, 3800। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी है, अपनी क्वालिटी कैसी लगी है? अभी असील की ब्रीडिंग करेंगे हम, तो अपने पास में प्योर असील की ब्रीडिंग हो जाएगी और हरियाणा देसी ब्रीड भी हो जाएगी, दो ब्रीडिंग हम रखेंगे हमेशा ही। और ज़्यादा खिचड़ी वगैरह बनाते नहीं हम, कड़कनाथ वगैरह, डब्लूजी वगैरह वो सब डाल के अपनी मार्केट वैल्यू वगैरह ख़राब नहीं करते। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि चीज़ रखो, प्योर रखो, चाहे पैसा कितना भी लगे, पैसा एक बार लगता है, बाद में पैसा आपकी ब्रीड अच्छी है तो पैसा कमा के भी देगी आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो देखिए फ्रेंड्स, रात के टाइम पे मैं अपने फार्म पे आया हूँ, तो रात के टाइम पे देखिए ये अपनी मुर्गियाँ वगैरह कैसे बैठी हुई हैं, सबकी सब ऊपर, ये देख सकते हैं सभी ऊपर चढ़ के सोती है, ताकि रात को कोई अगर कुछ अंदर घुस जाए, सांप वगैरह किधर, जाली वगैरह से आ जाए। तो लगभग मुर्गियाँ ज़्यादातर ऊपर ही सोना पसंद करती हैं, और ये असील वाला पट्ठा अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, मेरे आने से नीचे बैठ गया नहीं, ये तो इस साइड में जाके बैठ के सोता है। तो देख सकते हैं डंडे पे बैठ के सो रही है, और डंडे पे बैठ के सोने से अच्छा ही रहता है इनको, ये अच्छे से पंजे ढक लेती है, देखिए वो देखिए ऐसे करके पंजे ढक लेती है, ठंड वगैरह भी नहीं लगती है इनको, और आराम से बैठ जाती है। और पूरा खाना वाना चरा रखा है, दाना वगैरह इधर रखा हुआ है, ये पानी रखा हुआ है। तो देख लीजिए फार्म का अपना, ऊपर काफ़ी ऊपर हाइट तक ही चढ़ी हुई है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले दिन हम आ चुके हैं फार्म पे, और अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये अपनी असील वाली, और जो कल पांच लेके आए, टोटल 4 असील और एक ये देसी जो ऊपर बैठी है सबसे। तो ये सब देखिए अलग ही बैठी हुई है, अलग से ऊपर ही बैठी हुई है खा पी के, और ये सब बाकी नीचे घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं अच्छे से, इधर दाना रखा हुआ है और इधर पानी रखा हुआ है। तो ये सब भी अच्छे से तंदुरुस्त वगैरह है, ऐसी बात नहीं है कि कोई बीमार हो, ये देख सकते हैं आप।
ये थोड़ी डरती नहीं है, क्योंकि असील वाली आपको पता होगा डरपोक कम होती है, देसी तो बहुत ज़्यादा डरपोक होती है, पास जाओ तो भाग जाती है। और अंडे दिखाते हैं आपको, मैंने देखा कि अंडे दे रखे, ये देखिए 3 अंडे दे रखे हैं आज, और एक और जगह पे ये अंडे देती है, मैंने एक ट्रे और रखी हुई है, ये देखिए ये रही, और ये देखिए एक अंडा इधर दे रखा है, तो टोटल आज 4 अंडे दे रखे हैं। तो 4 अंडे किन किन ने दिए होंगे, मेरे ख्याल से तो अभी क्रॉसिंग पे है, ये ब्लैक वाली क्रॉसिंग पे है, ये वाइट वाली क्रॉसिंग पे है, और एक ये बड़े वाली है देसी जो ये भी क्रॉसिंग पे है, और एक ये वाली क्रॉसिंग पे है, वो अभी क्रॉसिंग पे नहीं आई है, और ये तो भी बच्चियाँ हैं, दो 3 महीना लगाएंगी, और ये तो कल ही लेके आए हैं, ये अभी उसने भाई ने बताया था कि ये अभी सिर्फ क्रॉस होना स्टार्ट हुई है, अभी अंडे देने में टाइम लगाएगी। तो 4 हमने पहचान कर लिया है कौन कौन से ने अंडे दिए हैं 4 ने, और हमारे पास में अभी अच्छी खासी मुर्गियां आ गई हैं, टोटल 10 मुर्गियां आ गई हैं, और 3 मुर्गे हैं जिसमें से ये एक असील का पट्टा है, ये प्योर देसी मुर्गा है, और वो अपना मुर्गा है ही देसी, और 4 असील की पट्टियां है। तो असील की भी अपने पास में अलग से हो गई है, और देसी की भी अलग से हो गई है, अब हम यही क्वालिटी रखेंगे, क्योंकि ये सभी बेस्ट क्वालिटी की हैं अपने पास में, बारी बारी है, पूरे वजन है, प्योर देसी है, अलग अलग कलर की है, ये देख सकते हैं उसका कलर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ब्लैक वाली का अलग है, उसका अलग है, तो हमने अलग अलग कलर की चूज की थी ताकि अपने पास में अलग अलग कलर के ही बच्चे आए। इसका कलर अलग है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए गोल्डन कलर की है ये, और ये सब तो एक ही कलर की है लगभग, ये शायद अंडा दे दिया नहीं दिया पता नहीं, बहुत तेज आवाज कर रही है, अंडे देने वाली मुर्गी आवाज करती है ऐसे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कैसे तेज आवाज कर रही है। तो चलिए इनको अभी बाहर निकाल देते हैं, और धूप निकली हुई है अच्छी खासी, तो सभी इंतजार कर रहे हैं बैठ के कि कब हमको बाहर निकाला जाए और कब हम बाहर जाए। तो यहाँ से इनका बाहर जाने का रास्ता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैं ईटे हैं ये लगा देता हूँ, ये जाली है और ये अभी हट गई, ये गई बाहर, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बाहर जाती है, ये एक दूसरे से होड़ लग जाती है, कौन पहले जाएगा कौन पास जाएगा, और असील वाली भी अभी तैयार है बाहर जाने के लिए, ये देखिए ये कल वेल लेके आया था मैं, ये वाली मुर्गी भी मेरे को शानदार लगी थी इसलिए मैं कल लेके आया था, वो उधर वाली, तो ये गई अपनी सब की सब बाहर, ये असील वाली भी, ये देखिए असील वाली 3 बची है बाकी बाहर जा चुकी है, ये भी गई बाहर, और अभी अभी सब की सब अपनी बाहर जा चुकी हैं। तो वो देख सकते हैं इसने खाना भी खा रखा है, अच्छा खासा दाना वगैरह उठा रखा है, और साइज में छोटी नहीं है ये, लगभग ये 6 महीने के आसपास की है, और काफ़ी अच्छी खासी वजन में है, लगभग 1.5 किलो इनका वजन है, दिखने में छोटी है लेकिन असील दिखने में ऐसे भारी बहुत होती है, तो भारी बहुत है ये। तो थोड़ी देर हम इधर फार्म पर रुकेंगे, इनको मैं ऑब्जर्व करूँगा, और आप देखेंगे कि आज ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कल ये लड़ाई कर रहे थे आए थे तब, और आज ये घुल मिल गए हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ भी है आज ये, ये देख सकते हैं वो असील वाली देखिए उधर घूम रही है 2-3 तो, और एक ये रही इधर, एक अंदर ही है अभी तक नहीं आई है, और ये देख सकते हैं ये सभी एक दूसरे से घुल मिल गए हैं अच्छे से, और सबसे अच्छी बात ये है वो मुर्गा अपना सभी को क्रॉस कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, पहले क्रॉस नहीं कर रहा था, फिर इसको हमने लहसुन और लौंग खिलाना स्टार्ट किया था, दिन के डेली 10 लहसुन की कलियाँ खिलाते थे और 2 या 3 लौंग खिलाते थे एक दिन में रात के टाइम पर, तो ये जल्दी क्रॉसिंग पे आ गया उससे, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में, इसकी मैं वीडियो पॉज करके और इसके पॉजेज लेंगे जब ये क्रॉस करेगा तब, और वो वाला भी है थोड़ा लड़ाई तो करता है लेकिन वो जल्दी क्रॉसिंग पे आ जाएगा, क्योंकि पट्टा है वो भी बड़ा हो चुका है, 7-8 महीने का पट्टा है वो, और वो भी इन मुर्गियों को पकड़ के पीछे भागता है, लेकिन ये अभी उसको क्रॉस नहीं करने देती है, उल्टा उसको मार देती है, क्योंकि वो छोटा है ना, तो छोटे मुर्गे को मुर्गियाँ कभी क्रॉस नहीं करने देती हैं, उसको मारती है, क्योंकि मुर्गियाँ भी चाहती है कि उनके पास जो आने वाली नस्ल है ब्रीड है वो अच्छी बने, तो एनिमल्स में यही होता है, वो सबसे बेस्ट चूज करती है, ये देखिए ये देखिए अपने आप बैठ जाती है और मुर्गा इसको क्रॉस कर लेता है, देख लिया होगा आपने अभी ये क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है सबको, और मुर्गियाँ इसके आगे अपने आप ही बैठ जाती है, तो हरियाणा ब्रीड की यही खास बात होती है कि मुर्गियाँ ज़्यादा भागती भूगती नहीं है क्रॉस करवाने में, और ये असील वाली देखिए 4 की 4 इकट्ठा एक साथ में है,
और सॉरी असील नहीं है, एक देसी भी है और तीन असील वाली हैं। एक असील वाली अंदर ही है, ना ना आ गई है बाहर, सॉरी सॉरी वो वाली वो रही आ गई है बाहर। तो ये तीन असील इधर है और एक असील इधर खा रही है वो रही। तो असील की ब्रीड आपको कैसी लगी है मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। गर्दन आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है और साइज़ और शेप वगैरह भी देख सकते हैं, वाइट आइज़ में है, आँखें भी सफ़ेद हैं इनकी। तो मेरे को क्वालिटी काफ़ी शानदार लगी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% प्योर है, 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, किसी किसी के पास मिल जाती है, लेकिन मेरे को जो मिली है वो भी नस्ल अच्छी मिली है। और 800 रुपये प्राइस में और कितनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, 800 रुपये प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है हमको। आप इनकी पूंछ वगैरह देखिए काफ़ी लंबी है, हाइट देखिए, पैर देखिए, पंजे देखिए, पूरी हाइट के साथ में है। तो जल्द ही है और अभी तो छोटी बच्चियाँ हैं, 2 या 3 महीने में और बड़ी हो जाएंगी। तो ये वाला असील वाला पट्टा देखिए पट्टियों के पीछे पीछे भाग रहा है, क्रॉसिंग के लिए नहीं भाग रहा है, उनको मारने के लिए भाग रहा है। तो ये भी अभी इनको भी पता लग गया है कि इससे बच के रहना है, तो ये दूर दूर रहती है। लेकिन जब ये क्रॉसिंग पे आ जाएंगे, हिट पे आ जाएंगे, तब तक अपना पट्टा भी पूरा अच्छा से क्रॉसिंग पे आ जाएगा और इनको ही क्रॉस करेगा ये असील वाला। इनको अलग से एक केज वगैरह बना देंगे जिसमें ये असील वाले अलग ही रहेंगे ताकि देसी के साथ मिक्स ना हो। तो अभी तक तो ये क्रॉसिंग पे है नहीं, इसलिए मिक्स ही रखेंगे। तो सुबह सुबह की वीडियो थी ये फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको? फार्म पे आते ही मैं कैसे क्या करता हूँ आपको बता दिया है। पानी मैंने भर के रखा हुआ है, पानी पी रहे हैं, दाना इधर है ही, थोड़ा है, थोड़ा और डाल देंगे इसके अंदर दाना ताकि चींटी वगैरह भी आ जाए दाने को पास में और ये इनको खा पाएँ। ये देखिए ये मेरी फेवरेट है, बहुत पसंद है मेरे को, ये बच्चे भी अच्छे निकाल देती है और लगभग 21 अंडे देती है। हरियाणा ब्रीड की है ये भी और अभी छोटी ही है, एक बार ही अंडे दिया है, दूसरी बार अंडों पे आई है ये। तो अभी और वज़न लेगी, ऐसी बात नहीं कि वज़न नहीं लेगी, भारी होगी ये भी, 2.5 किलो तक चली जाएगी, लगभग 2 किलो समथिंग तो अभी भी है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स,